कोई किसी भी प्रकार की किसी प्रकार का कोई भेद किसी के साथ नहीं। जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर देश के अंदर आजादी के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने प्रारंभ किया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये भेदभाव समाप्त हुआ। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए, कहीं पर हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, कहीं एयरपोर्ट, कहीं पर एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, बड़े बड़े संस्थान भी स्थापित करने प्रारंभ किए और इन सभी कार्यक्रमों को कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाने के साथ जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पूरी टीम के साथ जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के दुष्प्रचार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को 2014 से भी भारी बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री पद पर बिठाने का कार्य किया। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था 5 साल गरीबों के लिए समर्पित, देश के बुनियादी ढांचागत विकास की योजनाओं के लिए समर्पित, और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आगामी 5 साल आजादी के पहले से लटके हुए उन सभी मामलों को सुलझाने के लिए मेरे समर्पित होंगे जो भारत की आकांक्षा के प्रतीक बनकर के उभरेंगे। और ये आकांक्षा के प्रतीक बनकर के कौन सी योजनाएं हैं भाइयों बहनों, जिन योजनाओं के विरोध में जगह जगह दिल्ली में भी धरने चल रहे हैं। ये धरना नागरिकता कानून को लेकर के नहीं है, ये धरना तो इस बात को लेकर के है कि भारत दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे उभर रहा है, कैसे रोका जाए भारत को। और इसलिए उनकी चिड़ ये है कि इनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े कर दिए थे, आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन जा रहा है। इनके पूर्वजों ने इस देश के आन मान और शान के साथ सदैव खिलवाड़ किया, आज कैसे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है।